हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सही लोग अच्छे हैं। सो अभी जस्ट उठा हूँ और जाके फ्रेश अप होने वाला हूँ, तो चलिए जल्द फटाफट फ्रेश अप होते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी देखिए फ्रेश अप होके आ चुका हूँ और आज का दिन एकदम से बिजी होने वाला है गाइस, क्योंकि आज शॉपिंग करना है। दिवाली का शॉपिंग होने वाला है गाइस, दिया लाना है, फिर मेट्रो भी दिए लाने हैं, पूजे के सामान लाने हैं और फिर यहाँ से हमको मेट्रो भी जाना है। मेट्रो में कुछ शॉपिंग करना है घर के लिए। तो फिर आज धनतेरस है, धनतेरस में गोल्ड नहीं ज़्यादा लिया जाता है, सिल्वर लाना बहुत शुभ मानते हैं। तो पता नहीं क्या लेंगे, आज मम्मी को लेके जाएंगे, देखते हैं क्या लेंगे मम्मी। तो फिलहाल चलिए अभी फटाफट जाके ड्रेसअप करते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर जर्नी क्या करना है क्या नहीं सोचते हैं। तो गाइस अभी देखिए खाना आ चुका है, ब्रेकफास्ट तो देखिए दाल चावल है आज, तो फिलहाल अभी दाल चावल खाते हैं और मम्मी शॉपिंग करने चलेंगे अभी साथ में। तो जाएंगे पहले डी मार्ट जाएंगे, फिर क्या तो आपको ना, तो आपको नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ मैं मम्मी और चाची जाएंगे। हमारा कार है, हम खुद बैठ के जाएंगे, आपको जाने पे खर्चा ज्यादा होता है। तो फिलहाल चलिए गाइस ब्रेकफास्ट खाते हैं फटाफट। सो गाइस अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि कोई इंस्पेक्शन वाला है नीचे, एचपी गैस वाले, तो खाना खत्म हो चुका है। तो चलिए देखे आते हैं क्या इंस्पेक्शन करने आए हैं। रेगुलेटर में चलना तो पड़ता है, इयर पास आगे मेले मुझ पर सल फिट मे टाइटन कोकोनट फ्री आगे अथवा मिशन हाकबोदो। सो इत लाइफ लांग वारंटी इतने के बिल्स पड़ी सर, बिल्स सर गैस लीक आगे पैक नोटी 2015। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट, फिलहाल मम्मी नहीं आ रही हैं, मैं मीनाक्षी और चाची जाने वाले हैं। लेकिन गाइस एक बात समझ लीजिए, अगर आप लोग को कहीं पर जाना है, समझ लीजिए 3 बजे जाना है, लेडीज़ को बता दीजिए कि 12 बजे रेडी हो जाए। ये लोग रेडी होते, हाँ हाँ रेडी होते होते होते, रेडी होते होते गाइस सुबह अभी 2 बज रहे हैं गाइस, 3 घंटा वेस्ट किए हैं। तो अभी चलिए फटाफट जाके आते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं डी मार्ट के लिए, तो बहुत जैसे बोला हूँ शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा करना है, तो देखेंगे आज डी मार्ट में क्या क्या मिलेगा। सब कुछ अगर वहाँ पे मिल जाता है तो अच्छी बात है, दिया वगैरह। फिलहाल चलिए अभी चलते हैं फटाफट डी मार्ट। तो गाइस अभी ट्रैफिक ने बुरा हाल करके रखा है, सिर्फ 1 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम आधा घंटे से ऊपर नहीं हुआ चाची खड़ा होके, आधा घंटे से ट्रैफिक में बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अभी घर पे जाएंगे तो कहेंगे क्या कर रहे थे, अभी शॉपिंग शुरू भी नहीं हुआ है। तो पता नहीं इस रोड पे ट्रैफिक रहता ही नहीं, लेकिन दिवाली के वजह से मेरे ख्याल से इतना ट्रैफिक है। तो चलिए अभी आप पहुँचने ही वाले हैं डी मार्ट, चलते हैं फिर। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं डी मार्ट, पार्किंग एरिया में है, तो एकदम से समझ लीजिए बेसमेंट में, नीचे 2 फ्लोर है, पार्किंग के एकदम से नीचे वाले पे पार्क करना पड़ा। तो चलिए अभी चलते हैं, ट्रॉली लेके जा सकते हैं, लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है गाइस, तो अभी हम लोग को चल के जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी कपड़ों के सेक्शन में आए हुए हैं और देखिए टी शर्ट ले रहा हूँ, देख रहा हूँ अनवी के लिए, देखिए एकदम से मैचिंग, एकदम से मैजिक टी शर्ट दिख रहा है, तो देखते हैं अगर मीनाक्षी को अच्छा लगेगा तो ये। तो फिलहाल गाइस अभी शॉपिंग तो हो चुका है, लेकिन शॉपिंग तो जल्दी हो गया गाइस, ऐसी बात नहीं लेट हुआ, लेकिन अब यहाँ से घर जाने में ही बड़ी बात है। अगर जल्दी ट्रैफिक तो इधर से दिख रहा है कि कितना लंबा जाम है, पूछिए मैं, तो देखते हैं कितना लेट होता है। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं घर को, घर से फिर जाएंगे मैं और मॉम जाएंगे बच्चे के लिए कुछ लेने के लिए। सो गाइस अभी फिलहाल तो डी मार्ट से शॉपिंग वगैरह कर, सो गाइस फिलहाल अभी डी मार्ट से शॉपिंग वगैरह करके घर आ चुका हूँ। सो अभी देखिए मैं और मम्मी जा रहे हैं और अनवी के लिए कुछ लेके आने के लिए, सिल्वर का आइटम कुछ लेके आना है। सो आज जैसे कि धनतेरस है तो धनतेरस का भी शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो क्या मम्मी क्या लेने वाले हैं? ओ, बेटी को कमर का करधन लेने वाले, कमर का करधन लेने वाले हैं सिल्वर वाला। तो चलिए देख के आते हैं कैसा है, कैसा प्राइस रहेगा। तो वहाँ पर अगर ब्लॉग बनाने का चांस मिलेगा तो वहाँ पर थोड़ा बहुत बना लेंगे। तो फिलहाल अभी आ चुके हैं हम लोग ज्वेलरी शॉप में, तो अभी देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। तो फिलहाल अभी मम्मी बात कर रही है, मेरे मुझे जान पहचान वाला ये, तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है। तो फिलहाल गाइस देखिए अनवी के लिए करदन लिए हैं, लेकिन अभी अर्जेंट में लिए हैं, आज धनतेरस से लेना था, अगर सेट नहीं होगा 2-3 दिन के बाद आके एक्सचेंज कर सकते हैं, जान पहचान वाले हैं ना, नहीं तो कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं करता है। तो फिलहाल ले लिए हैं, तो अभी घर चलते हैं। तो फिलहाल गाइस अभी मम्मी को घर पर छोड़ के आ ही रहा था तो पापा का फ़ोन आया कि अभी मिठाई का ऑर्डर देना है और कुछ पूजा का सामान लेना है, तो दुकान पे आ जाओ। तो जा ही रहा था कहीं दोस्तों से मिलने, तो दुकान नज़दीक ही था, तो दुकान पे आके वेट कर रहा हूँ क्योंकि
तेरा बेकरी, और यहाँ पे देखिए पूजा का सामान मिलता है सब कुछ, साथ ही साथ अभी शॉपिंग हो जाने वाला है तो दिया वगैरह भी यहाँ पे अगर मिलेगा अच्छा वाला तो अभी लेंगे, या तो दिया कल लेंगे। तो फिलहाल अभी पापा और मम्मी का वेट करते हैं और मैं कुछ मसाला पूरी या भेलपूरी का ऑर्डर देता हूँ। फिलहाल अभी सिर्फ पापा हैं, मम्मी का आने का कैंसिल हो गया है, तो देखिए हम भेलपूरी खा रहे हैं, पापा अंदर मिठाई का ऑर्डर दे रहे हैं, तो फटाफट खाते हैं जल्दी से। तो फिलहाल देखिए अभी हम लोग पूजा का सामान खरीद रहे हैं, तो देखिए पूरा तो ये देखिए पापा यहाँ पर खड़े हुए हैं और सब ऑर्डर दे रहे हैं। तो गाइस अभी देखिए मैं और मम्मी चाची के घर आए हैं, सो अभी यहाँ पे हिसाब होने वाला है, जो हम लोग मेट्रो से लेके आए थे, डी मार्ट से जो सामान लेके आए थे उसका भी यहाँ पे हिसाब करेंगे, फिर जिसका ज़्यादा बढ़ा है वो उनको पैसा देगा, या जिसको लेना है वो उनको देगा। तो फिलहाल अभी अनवी भी इधर आई है और दिखाता हूँ अनवी क्या मस्ती कर रही है यहाँ पे अपने बुआ के साथ। और देखिए गाइस क्या कर रही है अनवो बुआ, हाँ इतना मस्ती करती है ना गाइस, पूछिए मत, उसको छोड़ दो तो चढ़ने लगेगी, चढ़ती है बहुत ज़्यादा, चढ़ने का मन करता है। देखिए क्या कर रही है अनवो, कम ही आजा 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 आजा। तो चलिए गाइस अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। तो देखिए गाइस अभी मैं किचन में आया हूँ और ये देखिए मीनाक्षी यहाँ पे काम कर रही हैं, बर्तन मांज रही हैं। देखिए यहाँ पे पूरा बर्तन मांज चुका है तो सिर्फ थोड़ा ही बका है, और खाना वगैरह सब कुछ रेडी है, और ये देखिए सिर्फ किचन थोड़ा साफ सफाई करना है। और मीनाक्षी क्या बना है खाने में? दाल चावल रोटी, सब्जी में क्या है? आलू परवल। वाह। तो गाइस अभी तो फिलहाल किचन में ही हूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा काम है, अनिल भैया का वेट कर रहा हूँ, अनिल भैया अभी बाहर गए थे, अभी नहीं आए हैं, जैसे ही वो आएंगे घर पे पूरा लाइटिंग्स डालना है, मेरा यूट्यूब का जो एक स्टूडियो बनाने का जो प्लान था, तो ज़्यादा से नहीं टेबल वगैरह है सब कुछ है, तो उसका अरेंजमेंट करना है ताकि मैं दीपावली के दिन उसको पूजा कर सकूँ। तो अभी अनिल भैया का वेट करते हैं, फिर जो करना है करेंगे साथ में सभी लोग मिलकर। तो गाइस ये रहा देखिए हमारा यूट्यूब स्टूडियो, सो यहाँ पर अभी बहुत सारी एक समझ लीजिए एक छोटा सा एक हॉल कम किचन था। देखिए यहाँ पे किचन का आइटम पूरा, तो हम लोगों ने किसी को रेंट को नहीं दिया, एकदम सेम्प्टी था, मैंने सोचा क्यों ना इसको यूट्यूब स्टूडियो बना लें। तो अभी टेबल है, पहले इसको टेबल को सेट करते हैं, जो है इनॉग्रेटेड कर लेते हैं दीपावली को, फिर वन स्टेप बाय स्टेप जो करना रहेगा सब करेंगे। तो गाइस हमारा यूट्यूब स्टूडियो का पहला चरण जो इनिशियल स्टेप था वो हम लोगों ने आज ले लिया है। तो ये देखिए देखिए टेबल सेट हो गया है, और यहाँ पे चेयर भी हो, और यहाँ पे देखिए अच्छे से एक जो कलर है ना, यहाँ पे हम लोग दूसरा कलर मंगवाने वाले हैं, या कुछ स्क्रीनिंग कराएंगे, या कुछ वॉल पेपर लगाएंगे, कुछ तो लगाएंगे ताकि सब डिफरेंट रहे, और हमारा ब्लॉग का चैनल का जो है वो स्टिकरिंग करवाएंगे, तो बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो फिलहाल अभी अर्जेंट में कुछ भी नहीं करने को हो रहा है, तो फिलहाल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला स्टेप शुरू हो गया, तो आखिरी भी होने में बहुत देर नहीं लगेगी, तो बहुत जल्दी ही हमारा स्टूडियो बहुत अच्छी तरह से सेटअप कर लूँगा। तो अभी फिलहाल चलिए नीचे चलते हैं, सो नीचे चल के बाद में बात करते हैं। सो गाइस अभी आज सोने का टाइम आ चुका है, तो फिलहाल आपने देखा आज हम लोगों ने सिर्फ शॉपिंग करने गए थे, डी मार्ट में शॉपिंग करके आए, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, तेल वगैरह लेना था और घर का जो राशन आइटम था सिर्फ वही लिए। फिर मैं और मॉम गए ज्वेलरी जो शॉप में, वहाँ पे अनवी के लिए एक समझ लीजिए सिल्वर का करधन लेके आए थे। फिर वहाँ से मैं और पापा गए मिठाई की दुकान पे, वहाँ पर मिठाई लाए, फिर वहाँ से पूजा वाले दुकान में जहाँ पे पूजा का आइटम्स मिलता है वहाँ पर गए, फिर वहाँ से घर आया, घर आने के बाद हमारा स्टूडियो का जो है टेबल सभी सेट हो चुका है, तो फिलहाल एक स्टेप तो स्टूडियो की तरफ बढ़ चुका है, तो जल्दी आपको मेरा स्टूडियो देखने को मिलेगा। तो बस आज इतना ही था व्लॉग में, होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने आपके सभी फैमिली को सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, पहले ही फ्रॉम फर्स्टली मैं सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली बोल रहा हूँ। कल का रहेगा दिवाली के लिए शॉपिंग करेंगे दिया वगैरह का, तो कल का ब्लॉग भी बहुत अच्छा आने वाला है, तो प्लीज़ प्लीज़ देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।